हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कैन लर्निंग पॉइंट में। आज फिर लेकर आए हैं एक नया वीडियो। ये वीडियो का पार्ट 36 है, जिसमें NIOS PDPET ब्रिज कोर्स का फोर्थ पेपर बताया जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट आंसर हैं इस वीडियो में, जिनको हिंदी में दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी कहते हैं। तो देखते हैं फोर्थ पेपर का ये वीडियो 36। तो इस वीडियो में पहला क्वेश्चन लिया गया है, योजना की आवश्यकता बताइए। योजना की आवश्यकता, आंसर है इसका, हेडिंग डालेंगे योजना की आवश्यकता, फिर देखेंगे इसका आंसर। शिक्षण योजना की बात करने से पहले हमें दूसरों से और खुद से भी प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि पाठ योजना की क्या ज़रूरत है। लोग बच्चों को भाषा सिखाने की कोई विशेष योजना नहीं बनाते, फिर भी बच्चे के दिमाग में भाषा सीखने की एक क्रमबद्ध योजना रहती है। तो यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले शिक्षण योजना की बात करने से पहले हमें दूसरों को और खुद से भी यह प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि पाठ योजना की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। लोग बच्चों को भाषा सिखाने की कोई विशेष योजना नहीं बनाते हैं, फिर भी बच्चे के दिमाग में भाषा सीखने की एक क्रमबद्ध योजना रहती है। आगे देखें, कक्षा में किसी योजना की क्या ज़रूरत है। यह आम बात है कि कई बार अच्छे अच्छे अध्यापक भी लिख पढ़ कर कोई व्यवस्थित योजना लेकर कक्षा में नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी विषय पर गहरी पकड़ होती है और वे बच्चों के सीखने के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। उनके अवचेतन में निश्चय ही कोई ना कोई योजना होती है, पर बच्चों के व्यवहार के अनुसार वे समय समय पर उसे बदलते रहते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि कक्षा का औपचारिक शैक्षणिक माहौल बचपन में भाषा सीखने के अनौपचारिक माहौल से बहुत अलग होता है। सीखने सिखाने के उद्देश्य भी बहुत अलग होते हैं, इसलिए विषय की पकड़ व बच्चों के प्रति संवेदनशीलता के साथ साथ पढ़ने पढ़ाने की एक योजना भी बनानी चाहिए। बच्चा ऐसी अनेक गतिविधियों से जुड़ा रहता है जो उसके प्राकृतिक वातावरण में अंतर्निहित होती हैं। बच्चे के आसपास जो प्रक्रियाएं होती रहती हैं वे उसे ज्ञान पैदा करने और अपने पर्यावरण से सीखने में मददगार होती हैं। घरेलू वातावरण में बच्चे के जुड़ाव के स्तर और उसके मौक़ों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है कि घर में सीखने के मौके, चाहे वयस्क द्वारा दिए गए या दूसरों अनुभव द्वारा, का अनुपात स्कूल में मिलने वाले मौक़ों से ज़्यादा होता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो बच्चे को सीखने का जो अवसर मिलता है वो घर में ज़्यादा मिलता है और स्कूल में कम मौके मिलते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चा थोड़े समय के लिए रहता है जबकि बच्चा घर में अधिक समय के लिए रहता है। आगे देखिए, घर में बच्चे को विभिन्न अनुभवों एवं मौक़ों के साथ साथ अभिव्यक्ति की पर्याप्त आज़ादी और गलतियां करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, जबकि स्कूल की स्थितियां अलग हैं। वहां बच्चों की संख्या वयस्कों से ज़्यादा होती है और सभी बच्चों को इस तरह के मौके और अनुभव उपलब्ध नहीं करवाए जा सकते, इसलिए सभी को इस तरह का अनुकूलन उपलब्ध नहीं करवाया जा सकते हैं इसलिए सभी को इस तरह के अनुकूलन एवं रुचि बढ़ाने वाला वातावरण उपलब्ध करवाना लगभग असंभव है। इसलिए ऐसी व्यवस्थित एवं नियोजित योजना की ज़रूरत है जो विविध क्षमताओं एवं अनुभवों के साथ आने वाले विभिन्न पृष्ठभूमि वाले सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। साथ ही योजना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि स्कूल को
व्यवस्थित क्रमबद्ध सीखने के स्थान के रूप में विकसित किया जा सके। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था जिसका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन था योजना की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर योजना की आवश्यकता बताई गई है कि योजना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि स्कूल को व्यवस्थित क्रमबद्ध सीखने के स्थान के रूप में विकसित किया जा सके, जिससे कि बच्चे के सभी विकास अच्छे से किए जा सकें, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, इसलिए योजना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस एक ही क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।